हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GTC लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नेम रिएक्शंस की बातें कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आज एक और नेम रिएक्शन को और सीखते हैं उसको अपने एक ट्रिक के साथ में, यूनिक ट्रिक के साथ में। तो चलो देखो, नेक्स्ट आज हम रिएक्शन की बात करने वाले हैं वो है मीरविन पोंडरोफ विरली रिएक्शन, MPV रिडक्शन रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हो। रिडक्शन आ रहा है मींस कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल पक्की बात हो गई कि हाँ रिडक्शन होने वाला है। और क्योंकि ये भी एक किसकी रिएक्शन है, जरा देखो आप, ये भी आपके कीटोन्स की रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन है। अब कार्बोनिल अगर रिड्यूस होंगे तो कहाँ जाएंगे, अल्कोहल में जाएंगे कहीं ना कहीं, तो वही होने वाला है इस रिएक्शन में। लेकिन कैसे होना है, क्या रिएजेंट यूज करेंगे, क्या कैटलिस्ट होंगे, उनको चलो जल्दी से देखते हैं। देखो इस रिएक्शन में आप क्या करते हो, आप लेते हो कीटोन को और कीटोन का रिडक्शन होता है और वो कन्वर्ट होता है 2° अल्कोहल में। क्या यूज करते हो आप, यहाँ पे आप यूज करते हो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में। इन दोनों चीज़ों को क्या है, जरा इनका चलो एक बार देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड को, तो उससे पहले आप जरा जानो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है, ठीक है ना। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, देखो ये आपका क्या है, ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अभी यहां से अगर मैं H हटाता हूं, O निगेटिव बनाता हूं, तो वो क्या बनेगा, ये एक अल्कोहल है, सिंपल साफ बताओ जरा, ये एक अल्कोहल है और यहां से अगर मैं H प्लस निकाल देता हूं तो एल्कोक्साइड बनेगा। वही चीज आपको बस इतना याद रखना है यहां, क्योंकि ये रिएजेंट क्या यूज करना है यही कंफ्यूज रहते हैं लोग, तो वो बिल्कुल अच्छे से यहां से याद कर लो। देखो क्या होता है, ये मेरा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, अभी देखो इससे मैं क्या करता हूं, सिर्फ H निकाल देता हूं, अगर मैंने H हटा दिया तो क्या बन गया, ये मेरा बन गया है एल्कोक्साइड आयन। और क्योंकि ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल था तो अभी ये एनायन कौन सा होगा, आइसोप्रोपॉक्साइड, आइसोप्रोपॉक्साइड, बस यही है। इसी को ही आप क्या करते हो, एल्यूमिनियम के साथ में जोड़ लो, और क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, मतलब कहीं ना कहीं तीन ग्रुप ये लगेंगे, यही तीन ग्रुप एल्यूमिनियम के साथ में लगेंगे, इधर एक, इधर एक, इधर ओ लग गया, ओ के बाद आपने जोड़ा क्या, CH3 एक ये हो गया, और एक ओ के साथ में यहां आपने एक ओ के साथ आपने CH जोड़ करके एक इधर CH3 और एक इधर CH3 जोड़ दिया है। एल्यूमिनियम के साथ में तीन यही ग्रुप्स आपने जोड़ रखे हैं, बस इतना ही है आपका एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, जो कि यहाँ पे एज अ रिएजेंट आप यूज करते हो। देखो एक एल्यूमिनियम के साथ में तीन आपने CH3 दो बार CHO ग्रुप को आपने जोड़ रखा हुआ है, इसी को बोलते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। तो बस इतना सा याद रखो, कीटोन की रिएक्शन करानी है आपको, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड आपका क्या यूज होना है, रिएजेंट है, और यहाँ पे और क्या आपने ले रखा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ में होगा जब रिएक्शन, तो आपको 2° अल्कोहल मिलेगा। रीजन क्या है, देखो यहाँ पे ये जो ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, यही आपका रिड्यूस हो जाता है OH में, तो ये जब OH में रिड्यूस होगा, ये जब आपका सिंगल बॉन्डेड OH में रिड्यूस होगा, मतलब एक H और यहाँ कहीं ना कहीं आएगा, कैसा अल्कोहल बनेगा, ये तो बिल्कुल कंफर्म है ना कि 2° अल्कोहल ही बनेगा अगर ये रिड्यूस हो रहा है। तो बस इतनी सी बात है आपको, पूरी रिएक्शन अब जरा एक बार ध्यान से देख लो। कीटोन की रिएक्शन कराई एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ में, क्या मिलता है आपको, एक सेकेंडरी अल्कोहल 2° अल्कोहल मिलना है, ये याद रखना है। अब जल्दी से ट्रिक देख लो इसकी क्या है, देखो जरा इसकी ट्रिक होती है, MP के आलू से 2° शराब बनती है, शराब मतलब अल्कोहल होता है, ठीक है ना। तो वही चीज आप यहां से देखो जरा याद रखोगे, डीकोड कर लो जल्दी से, MP से हो गया मीरविन पोंडरोफ विरली रिएक्शन का नाम है ये, के से है कीटोन से देते हैं ये रिएक्शन, आलू से हो गया देखो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, यह आपका क्या है यहां पे जो आप यूज कर रहे हो, और उसके बाद 2° शराब से हो गया 2° सेकेंडरी अल्कोहल या फिर 2° अल्कोहल बनता है, 2° शराब बिल्कुल कंफर्म है कि ये 2° अल्कोहल बनाता है। ये हो गई हमारी MPV रिडक्शन। अभी यहां पे एक और जल्दी से चीज देख लो, इसी का रिवर्स, जब आप कीटोन से 2° अल्कोहल बनाते हो तो ये रिएक्शन कौन सी है, MPV रिडक्शन, करेक्ट है क्या। एक एक्स्ट्रा चीज अब जान लो,
सेम यही रिएक्शन अगर रिवर्स हो जाए, रिवर्स प्रोसेस में मींस आप किसी 2 डिग्री अल्कोहल को एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ में ट्रीट करा दो तो आपको कीटोन बन जाएगा। ये रिएक्शन होती है ओपन और ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन होती है ओपन और ऑक्सीडेशन। मतलब एमपीवी का रिवर्स रिएक्शन आपका, मतलब ये रिडक्शन था तो रिवर्स ऑक्सीडेशन होना है, ये एमपीवी रिडक्शन था ये ओपन और ऑक्सीडेशन होता है। ये इससे रिलेटेड थोड़ी डिफरेंट चीजें हैं जो अलग की बात है। तो एक ही रिएक्शन में हम दो चीजें देखो यहां से सीख रहे हैं, ओपन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिवर्स ऑफ एमपीवी रिडक्शन। तो ये दोनों एक साथ आप लोग ट्रिक बनाओगे, मतलब एक साथ जहां भी लिखोगे आप एक साथ इन दोनों को लिख लोगे कि रिवर्स ऑफ एमपीवी इज ओपन और ऑक्सीडेशन, बस इतना सा आपको कर लेना है। एक ही आपने आज एक वीडियो में दो रिएक्शन आपने याद की हैं और ट्रिक भी आपको बिल्कुल बहुत अच्छी है। एमपी के आलू से 2 डिग्री शराब बनती है। ऑल राइट, आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और ये पूरी रिएक्शन भी समझ में आई होंगी, क्योंकि ये अभी आप अगर थोड़े थोड़े एक एक करके एक एक दो दो ऐसे करके आप नेम रिएक्शन तैयार करते रहोगे ना तो आपके एग्जाम से पहले आप मैक्सिमम नेम रिएक्शन खत्म कर लोगे विद ट्रिक के साथ में, तो आपका जो लास्ट टाइम प्रेशर आता है ना वो कहीं ना कहीं आपका नहीं रहेगा और आपको ये सारी चीज़ें बस रिवीजन करनी होंगी बस। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नई नेम रिएक्शन के साथ में। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन।